मैं आह्वान करूंगा आप आओ मामा, आपके नाम को सिद्ध कर दो, शिवराज के नाम को सिद्ध कर दो और शिव को केद से मुक्त कर दो, आपकी प्रतीक्षा है रायसेन वालों को। आखिर शिवराज मामा की सरकार में क्यों कैद है भगवान शिव? सोमेश्वर धाम मंदिर पर लगे ताले को लेकर ये कहना है कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का, जो रायसेन पहुंचे थे और वहां पर अपनी कथावाचन के दौरान उन्होंने ये बात कही। आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और अब उनका एक नया बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने सरकार से कई सवाल किए हैं। पूरी बात क्या है आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। दरअसल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सोमेश्वर धाम मंदिर में लगे ताले को लेकर अब शिवराज सरकार को घेरा है, सरकार से सवाल किए हैं। कथावाचन के समय उन्होंने रायसेन पहुंचे तमाम श्रद्धालुओं से ये पूछा कि आखिर शिवराज सरकार में भगवान शिव ताले में क्यों कैद हैं। आपको बता दें कि रायसेन में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार को अलग ही अंदाज में घेरा है। रायसेन जिला मुख्यालय पर चल रही त्रिपुण शिव महापुराण के दौरान श्रद्धालुओं के सामने उन्होंने रायसेन किले पर मौजूद भगवान शिव के प्राचीन मंदिर सोमेश्वर धाम महादेव को कैद में होने पर सरकार से तीखे सवाल किए और सीएम शिवराज पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने बाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भारत सरकार के पीएम नरेंद्र मोदी और संस्कृति मंत्रालय से आग्रह किया कि इस प्राचीन मंदिर के द्वार पूजा के लिए खोले जाएं। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। मैं आह्वान करूंगा आप आओ मामा, आपके नाम को सिद्ध कर दो, शिवराज के नाम को सिद्ध कर दो और शिव को केद से मुक्त कर दो, आपकी प्रतीक्षा है रायसेन वालों को। वही पंडित प्रदीप मिश्रा के इस बयान के वायरल होने के बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि वो प्रशासन से बात करेंगे, कोई भी मंदिर पर ताला नहीं लगा होना चाहिए, इस बारे में बात की जाएगी और मंदिर पर से ताला हटाया जाएगा। निश्चित रूप से जो विषय सामने आया वहाँ के सारे प्रशासन से बात करेंगे, कोई भी भगवान का मंदिर कैद नहीं रहेगा, हर भगवान के मंदिर में आरती होगी, महाआरती होगी, ईश्वर की प्रार्थना होगी, आराधना होगी, विश्व कल्याण की समर्पण भावना से परमात्मा से मांग होगी। यहाँ आपको बता दें कि रायसेन किले पर स्थित प्राचीन सोमेश्वर धाम शिव मंदिर में देश की आज़ादी के बाद से ताला लगा हुआ है। ये देश का एकमात्र ऐसा शिवालय है जो साल में केवल 12 घंटों के लिए शिवरात्रि के दिन खोला जाता है, जबकि यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन क्योंकि ये किला और मंदिर ASI यानी कि पुरातत्व विभाग के अंदर आता है, इसीलिए इस मंदिर को पूजन के लिए बंद किया गया है। वहीं आज तक किसी सरकार ने इस ताले को खोलने की पेशकश नहीं की है, जबकि रायसेन के शिव भक्त हर साल ये मांग शासन प्रशासन से करते आ रहे हैं कि उन्हें मंदिर में रोजाना पूजा करने की अनुमति दी जाए। और अब कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी ये मुद्दा उठा लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पंडित प्रदीप मिश्रा का बयान वायरल हुआ था, जब उनकी रायसेन में कथा थी और प्रशासन ने भीड़ का और जाम लगने का हवाला देकर उनकी कथा को ऑनलाइन करने की मांग की थी और आदेश दिए थे, जिसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंडित प्रदीप मिश्रा से बात की थी वीडियो कॉल पर और उनको दंडवत प्रणाम किया था। हालांकि एक बार फिर पंडित प्रदीप मिश्रा यहां पर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, शिव मंदिर पर लगे ताले को खोलने की बात कर रहे हैं। इस पर आगे प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है ये एमपी तक आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। खबर भेजी है रायसेन से हमारी सहयोगी राजेश रजक ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।